एक हफ्ते पहले सरकार ने, जब लास्ट पार्लियामेंट मीटिंग हुआ, सरकार ने इन राइटिंग डिनाउंस किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देश का हंगर सिचुएशन एग्जामिन करते हैं और इंडिया का पोजीशन रैंक पिछले साल भी गिर गया 101 तक, इस साल 107 तक गिर गया आपका पोजीशन इन ग्लोबल हंगर। अरे रवांडा, कैरिबियन नेशंस, सिर्फ हाइती छोड़ के अफ्रीका एंड कैरिबियन नेशंस आर बेटर देन यू इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पूरा साउथ एशिया, एशिया में एक ही देश हमारा पीछे है, वो अफगानिस्तान। बेचारा 5-10, आप 10 साल उसको बॉम्ब करके पूरा रिसोर्सेस खत्म करके भूखी क्यों नहीं बढ़ेगा वहां। ओनली अफगानिस्तान इज बिहाइंड अस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और यूनाइटेड नेशंस ने एक रिलीफ दिया, नया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट में, पैंडेमिक के समय में 80% देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी फेल बाय 1 ईयर और 2 ईयर्स इन 70% ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और वही रिपोर्ट कहते हैं 85% देशों में, 85% ऑफ ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन इनकम, इनकम गिर गई। और भारत में GDP गिर गई 7.7%। वो सरकार का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। मोदी जी ने कहा कि, और मतलब निर्मला सीतारामन जी सब एक ही है ना, एक ही बोलते, सोली मोदी हु स्पीक्स। इकोनॉमी श्रैंक बाई 7.7% इन इंडिया, 70% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई 1 ईयर 1.5 ईयर्स, और इंडियन इकोनॉमी गिर गई 7.7%। लेकिन एंड इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल गिर गई, मतलब 2019 में पुरुषों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 69.5 ईयर्स, महिलाओं का 72 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पैंडेमिक का 2 साल के बाद 67.5 और 69.8 तक गिर गई, 2 साल से ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन हिंदुस्तान का अरबपति, उनका धन दौलत 2 गुना बढ़ गई। ये कभी ग्रोथ से नहीं आया, GDP श्रिंक हो गया 7.7%, लेकिन 166 अरबपति, उनका टोटल पर्सनल वेल्थ, उनका कंपनी का वेल्थ नहीं है, उनका पर्सनल वेल्थ डबल हो गई और अभी $800 अरब है। 166 लोग, आपका पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, 1.4 बिलियन से उसका परसेंटेज है 0.00014%। और ये 0.00014% लोग, उनके हाथ में है वेल्थ इक्वल टू 27% आपका GDP। समझिए, पिछले बार जब इतना असमानता था इस देश में, दो एस्टिमेट है, एक तो 1921
हाइट ऑफ द ब्रिटिश राज। और एक एस्टिमेट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का, 1870s में ऐसा हमने देखा था कि ऐसा असमानता। और इन लोग का वेल्थ, पर्सनल वेल्थ डबल हो गया, पूरा दुनिया का इनकम डिक्लाइन हुआ लेकिन इन लोग का बढ़ गया। एंड तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा पोजीशन है 107, 116 देश में। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।